भारत में चूने का सेवन खूब किया जाता है। कुछ और नहीं तो तंबाकू तथा पान के साथ इसका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। हालांकि जानकारों द्वारा इसका सेवन दाल, सब्जी, दही, अनार तथा गन्ने के जूस या फिर गर्म पानी के साथ किया जाता है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि बहुत कम लोगों को ही इसके गुणकारी लाभों के बारे में जानकारी होती है। अच्छी बात यह है कि यदि आप इसके फायदों को जान लें तो भूल कर भी इसके उपयोग से चूकेंगे नहीं। आयुर्वेद में चूने के गुणकारी लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसका सेवन आपको एक या दो नहीं बल्कि 70 प्रकार की परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। जानकारों की माने तो इसका सेवन सिर्फ बड़े या बुजुर्ग नहीं बल्कि बच्चे तथा महिलाएं भी कर सकती हैं। आज हम आपको इसके सेवन तथा लाभ की पूरी जानकारी देंगे। आयुर्वेदाचार्यों की माने तो चूना कैल्शियम से भरपूर होता है जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये मसूड़ों में होने वाले दर्द को भी कम करता है तथा दांतों के लिए बेहद उपयोगी है। यदि आपके दांतों में ठंडा तथा गर्म खाने से दर्द होता है तो चूने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे छोटे कद के ही रह जाते हैं, उनकी लंबाई बढ़नी रुक जाती है। लंबाई बढ़ाने के सारे तरीके आजमाने के बावजूद भी यदि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो गेहूं के आकार जितने चूने को दाल या दही के साथ मिलाकर खिलाने से उनकी लंबाई बढ़ने लगती है। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की बेहद आवश्यकता होती है। ऐसे में चूने का सेवन उनकी इस आवश्यकता को अच्छी तरह से पूरा करता है। गेहूं के दाने के बराबर चूने को अनार के रस में मिलाकर रोजाना पीने से गर्भवती महिलाओं एवं उनके बच्चों का स्वास्थ्य बना रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा 9 महीने तक किया जाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं को बहुत कम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि चूने से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।